हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मेनली आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, यानी मल्टीप्लिकेशन इंटीजर का कैसे करते हैं, जब दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यही चीज, यही टॉपिक हम लोग देख चुके थे मल्टीप्लिकेशन, हम लोग होल नंबर में चैप्टर 3 में देख चुके थे। बस लॉ सब भी सेम, आपको जैसे होल नंबर में हुआ था जो लॉ पढ़े थे आप मल्टीप्लिकेशन के, लॉ सेम लॉ यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स पे जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के, बेसिक रूल्स क्या होते हैं। रूल वन पे अगर बात करते हैं, तो रूल वन में अगर बात करें, अगर हमारा दो पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर जैसे 2 है और 4, हमारा 2 अलग अलग पॉजिटिव नंबर, 2 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, तो दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं 2 4 जाए तो हमारा आता 8। ये भी आंसर हमारा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। अगर दो नेगेटिव भी है, जैसे सपोज अगर -2 है और -4 है, तो हमारा इन दोनों को अगर इंटू करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 8 और -2 टाइम्स है, तो ये हमारा पॉजिटिव देता है। यहाँ पर रूल्स 1 काम करता है। रूल्स 2 जो है, इसी में रूल्स 2 अगर देखेंगे, रूल्स 2 में अगर बात करेंगे, तो रूल्स 2 का पहला, जैसे 2 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो 2 4 8 हमारा नंबर होगा मल्टीप्लाई, लेकिन साइन जो है, साइन अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। यहाँ अगर 2 नेगेटिव होता 4 पॉजिटिव होता तो भी -8 होता। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते पॉजिटिव मिलता है, दो नेगेटिव को भी मल्टीप्लाई करते पॉजिटिव मिलता है, दोनों में से कोई एक अगर हमारा अगर नेगेटिव होता है तो आंसर जो होता है वो नेगेटिव में आता है। ये हमारा एक जनरल रूल्स है। अब है कि ये प्लस और माइनस के थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं रूल्स 3 में, बस दोनों को कम्बाइंड रूप से देखते हैं हम लोग रूल्स 3 में देखते हैं क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, सपोज कंटिन्यू है 2 4 6 हमारा इस तरह से नंबर है, तो कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन में हो या प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम लोग इसको लगातार कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 4 8 8 6 जा आपको हो गया 48। इस तरह से आपको अब तीनों पॉजिटिव में, तो मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव में आ गया। अगर बात करें कोई और नंबर ले, सपोज -1 है, -2 है और -3 है, इस तरह से नंबर हो, तीन नंबर लगातार मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई नॉर्मली पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को छोड़ देंगे हम लोग। जैसे 1 2 3 ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 और 2 3 क्या हो गया 6। अब हम लोग माइनस को काउंट करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा सब में, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर प्लस में आएगा। लेकिन सब में अगर माइनस है या दो से अधिक माइनस है तो कैसे काउंट करते हैं, माइनस को काउंट करेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जब 3 टाइम्स होगा तो आंसर में हम यहाँ माइनस दे देंगे, मतलब -1 2 3। जब माइनस अगर 1 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, 7 टाइम्स हो, 9 टाइम्स हो, टाइम्स की बात करें, टाइम्स इतने टाइम्स हो, इस तरह ओड टाइम्स हो, तो आंसर में नेगेटिव आएगा। अगर इवन टाइम्स हो, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स, इस तरह चलते रहेगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वह पॉजिटिव में आएगा। सपोज कहने का मतलब क्या है समझेंगे आप, सपोज यहाँ 2 पॉजिटिव में, -1 नेगेटिव में, फिर 2 नेगेटिव में, 1 पॉजिटिव में, फिर -2 नेगेटिव में, इस तरह अगर मल्टीप्लाई में लगातार नंबर है तो सबको नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4, यहाँ आंसर आया 2 2 1 2 और 2 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 1 4 4 2, हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब काउंट करेंगे टोटल लगातार कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन में, तो नेगेटिव साइन कितना है 1 2 3, अगर यहाँ 3 टाइम्स है मतलब साइन जो इसके आगे होगा नेगेटिव, अगर 4 टाइम्स होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। दूसरा देखते हैं, सपोज -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1 है हमारा, तो यहाँ 1 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 आया। अब माइनस काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 टाइम माइनस, यानी कि इसके आगे प्लस साइन होगा, प्लस लिखा गया, यानी कॉन्सेप्ट में यही है, अगर प्लस है और माइनस है तो यही चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा। अब है आपके बुक में अगर बात करेंगे नॉर्मली बुक से पहले एक बार इसको ओड कहेंगे, एक बार देख लेंगे बुक देखने से पहले हम लोग इसको ओड कहेंगे, ओड नंबर 1 3 5 7 9, अगर लगातार ये ओड टाइम्स अगर माइनस हो तो नेगेटिव साइन देंगे, इवन टाइम अगर माइनस हो तो पॉजिटिव साइन देंगे, इसको यहाँ क्लियर करते हैं। बुक की प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में, आपको यहाँ पर रूल्स 1 रूल्स 2 करके आपको समझने के लिए दिया हुआ है, भाई मल्टीप्लाई है, जैसे 4 7 28 और -1 टाइम्स है तो माइनस का साइन, यहाँ वह सेम है, माइनस चाहे इसमें हो या उसमें हो, बात वही है, 7 4 28 माइनस का हो गया, 9 4 36 एक बार माइनस है तो -3 7 21 एक बार माइनस एक बार माइनस। अब यहाँ दोनों पॉजिटिव है, जैसे 4 3 4 13 52 दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, और यहाँ पर इस तरह से आपको बताया गया है
सॉल्व करके माइनस को, दोनों पॉजिटिव लेके माइनस को बाहर कर लीजिए, या ऐसे भी बना सकते हैं आप चाहेंगे तो। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख चुके थे, होल नंबर्स में देख चुके थे, यानी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही मिलेगा, क्लोज होता है। कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन देख चुके, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू बी, ए आप देख चुके थे, ये सब समझ लेंगे आप देख लेंगे। उसके बाद आपको है और एसोसिएटिव, उसी तो था ए इंटू बी इंटू सी था, तीन नंबर लगातार मल्टीप्लाई ब्रैकेट, अगर दो नंबर के साथ एसोसिएट करता है तो लास्ट दो के साथ एसोसिएट करता है। ये सब लिखेंगे नहीं, आप बुक से ही देख लेंगे, सब नोट्स करने का जरूरत नहीं है आपको। यहाँ डिस्क्रिप्टिव लॉ में चार नंबर, तीन नंबर के लिए याद कराते हैं आपको, तीन नंबर जैसे ए इंटू ब्रैकेट है बी प्लस सी, तो एक बार ए बी के साथ इंटू होता है, एक बार ए सी के साथ इंटू होता है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस और यहाँ माइनस होगा तो माइनस, आपको इस तरह से लॉ था। फिर लॉ ऑफ जीरोज जो है, किसी भी इंटीजर्स को जीरो समझ के अप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, वो लॉ ऑफ जीरोज था आपका। इसी पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज मिलेगा, 4D मिलेगा, 4D के इधर भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, जैसे वन नंबर टू नंबर, तो 4D का जैसे आपको है प्रॉब्लम में आएंगे 4D का हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको PDF में आपको जैसे मिल जाएगा 4D में, जैसे कि 4D का पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 15/9, तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई 135, दोनों पॉजिटिव है, इस तरह हमने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इस तरह कुछ कुछ बना के आपको दे दिया, इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द प्रोडक्ट है, कंटिन्यू नंबर था आपको प्रोडक्ट करना है, तो लगातार जैसे 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई करिए 24 हो गया, -2 टाइम्स है इसलिए प्लस हो गया, यहाँ 8, 3, 5 है -8 है तो -8 है, 1 टाइम माइनस होता माइनस साइन देंगे, अगर 8 टाइम माइनस होगा तो माइनस साइन देंगे, इवन टाइम होगा तो माइनस साइन नहीं देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को। इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूज द कन्वीनियंट ग्रुपिंग्स एंड द फाइंड द वैल्यूज ऑफ फिगमा, तो यानी ग्रुपिंग करके उसको बनाना, तो एक इजी वे में ग्रुप करने का रूल्स है, अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का ग्रुप कर लेंगे, अगर दो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नेगेटिव का ग्रुप कर लेंगे, इस तरह से करेंगे। अगर मान लेंगे कि सारे नेगेटिव है तो कोई भी दो आसानी से आप ग्रुपिंग कर लेंगे, कोई भी दो को पहले एक साथ ग्रुपिंग करके बना लेंगे, जैसे हम लोग यहाँ तीन नंबर डिफरेंट नंबर है तो 18 है -27 30 है, तो -27 नेगेटिव है तो -27 को क्या करेंगे, आगे कर लेंगे या पीछे कर लेंगे, बचा हुआ दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कर देंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके जो आंसर आएगा उसको -27 से, यानी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस का आंसर लगा देंगे, ये ग्रुपिंग मेथड हो गया। यहाँ दोनों नेगेटिव में है -8 और 63, तो -8 और 63 को ग्रुप में रख लिए, 9 को पॉजिटिव था बाहर कर लिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा इतना आ गया, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह ग्रुपिंग करके आप बना सकते हैं। 4 नंबर देखेंगे आप तो 4 नंबर तीनों नेगेटिव हुए हैं, तो किसी लार्ज नंबर को जैसे -51 माइनस स्मॉल नंबर -19 सबसे लार्ज है यहाँ पर -47 और -51 स्मॉल नंबर, इन दोनों को पहले ग्रुपिंग कर दिए आप, 19 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई करना आपको, वेरीफाई द फ्लोइंग 18 × 9 प्लस -7 ब्रैकेट है और ब्रैकेट यहाँ तक दिया हुआ इक्वल टू 18 × 9 प्लस 18 × -7, तो ये डिस्ट्रिक्टिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन पे बेस्ड है। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, LHS कहते हैं, और ये राइट हैंड साइड है, तो L.H.S भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट LHS भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। तो LHS इसको हमने रखा, पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, बोर्ड मास्टर पहले 9 में से -7 घटाएंगे, आपको बचेगा 2 बचेगा, 9 प्लस में या 7 माइनस में, तो हो गया 2 बच गया, 18 × 2 = 36 हो गया। अब RHS पास कराते हैं, LHS को सॉल्व पहले करेंगे फिर RHS सॉल्व करेंगे। RHS वाला पार्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिखा 18 × 9 = 162 और 18 × 7 = 126, और ये नेगेटिव में है तो यहाँ माइनस ले लिया, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 36 आ गया, ये भी 36 ये भी 36, तो दोनों LHS RHS दोनों का वैल्यू, LHS का वैल्यू 36 आया, RHS का वैल्यू भी 36 आया, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इसका 2 नंबर भी इसी तरह से बेस था, हमने बना दिया, आप देखेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्लीट द फ्लोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल, कंप्लीट कैसे करेंगे, तो देखेंगे ये इनटू है, मतलब इन सबको इनटू करना है, इनटू कैसे होगा, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह का टेबल है, तो इसको इसके साथ अगर मान लेंगे, इसको छुपा लेते हैं हम, इसको बढ़ते हैं 3 को -3 को इधर से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे को नहीं देखेंगे हम किसी को, -3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 क्या हो गया 9 हमारा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर ये 3 को यहाँ ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे क्रॉस कर रहा है, मतलब इसको और इसको डब्बा देखेंगे, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 3 × 2 जा हो गया 6, यहाँ भी माइनस इसलिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 × 1 जा हो गया 3, यहाँ माइनस हो गया प्लस, अब -3 × 0 जा हो गया 0, -3 × 1 जा यहाँ हो गया -3, और -3 × 2 जा हो गया यहाँ -6, और -3 × 3 जा हो गया -9। पहले समझेंगे ये हुआ क्या एक्चुअली में, ये जो बॉक्स है ये हमारा जो है रॉ कहते हैं इसको, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, ये कॉलम होता है हमारा,
तो ये रॉ को कॉलम से पहले इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस वन से करेंगे, इसको जीरो से, फिर यही माइनस थ्री को वन से, ये माइनस थ्री को टू से, ये माइनस थ्री को थ्री से। अब नीचे आएंगे माइनस टू को अब इस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस टू वाला लाइन इसमें काम करेगा, ये ऊपर वाला जो नंबर मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस टू यहाँ सबके लिए हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। या ऐसे माइनस थ्री को आप माइनस टू से मल्टीप्लाई करें, बात वही है, इसको उससे मल्टीप्लाई करिए या उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस टू थ्री जा हो जाएगा आपको सिक्स, और दोनों माइनस माइनस के हो गया प्लस, टू टू जा हो गया फोर, फोर टू वन जा हो गया टू, जीरो का जीरो हो गया, यहाँ माइनस टू हो जाएगा, यहाँ माइनस फोर हो जाएगा, यहाँ माइनस सिक्स हो जाएगा। सिमिलरली आप भर सकते हैं, इसी तरह से फिल कर सकते हैं। मैं एक कोई बता देता हूँ, जैसे यहाँ थ्री ले रहे हैं, यहाँ माइनस वन ले रहे हैं, इस बॉक्स में आंसर क्या होगा, तो ये थ्री का बॉक्स है, ये माइनस वन का, तो थ्री या माइनस वन को मल्टीप्लाई करेगा, थ्री वन या थ्री माइनस वन टाइम्स, तो माइनस थ्री हो गया। अब सपोज यहाँ क्या होगा, तो ये बॉक्स वन का इधर से या इधर से भी वन का, तो वन वन जा क्या हो जाएगा आपको वन हो जाएगा। अगर इस बॉक्स में आंसर पूछा जाए क्या होगा, तो ये टू का लाइन है, यहाँ से देखेंगे टू का है, यहाँ से टू का, टू टू जा क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इस बॉक्स में आंसर क्या होगा, तो ये जीरो है और ये टू है, जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा। उसी तरह से ये बॉक्स में पूछा जाए आंसर क्या होगा, तो ये जीरो है माइनस टू है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ये बॉक्स और इस बॉक्स में पूछा जाए तो ये टू है माइनस टू है, तो टू टू जा फोर और माइनस का माइनस। इस तरह सबको आपको फिल कर देना है, आसान है। अब ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे, इसी बुक में कर लेंगे, क्लियर, और एफ लिख लेंगे आप, इसको कॉपी में बनाएंगे आप, पेन से बनाएंगे आप बॉक्स बना के। क्वेश्चन नंबर सेवन, सिंप्लीफाई करना है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह से होता है बात करते हैं, जैसे यहाँ माइनस नौ दोनों में, तो माइनस नौ का दोनों से कॉमन आउट कर लेंगे, उसको ब्रैकेट लगा कर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे उसको बता रहे हैं, यहाँ सेवन का वन नंबर यहाँ सोल्यूशन है। जैसे माइनस नाइन इंटू सिक्स प्लस माइनस नाइन इंटू फोर आपको दिया हुआ है, तो इन दोनों से माइनस नाइन को टेक कॉमन आउट कर लिए हम लोग, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हम लोग इसे होल नंबर में देख चुके थे, माइनस नौ दोनों को मल्टीप्लाई कॉमन ले लिए। अब यहाँ बच गया सिक्स, यहाँ बच गया फोर, यहाँ बच गया सिक्स, यहाँ बच गया फोर, यहाँ बीच में प्लस था, प्लस ब्रैकेट लगा दिए। किस तरह से हुआ, तो याद कराते हैं आपको, एक लॉ आपको याद कराते हैं कि ये लॉ जो आपको दिया हुआ था, ये लॉ पे बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद कराते हैं आपको। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, जैसे कि आपको, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए इंटू बी प्लस सी, तो ए इंटू बी ए इंटू सी कैसे लॉ होता है, देखिए दोनों में ए है, ए और ए दोनों में है, ए एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक बार इस डिस्ट्रीब्यूट, ए इंटू बी हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस, ए इंटू सी हो गया, ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों में ए, अगर इधर वाले को देखो, इधर वाले लिखना दोनों में ए, तो दोनों का ए कॉमन आउट कर लिए, बाहर आ गया, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन साथ में आया। अब बच गया यहाँ बी, बच गया यहाँ, बच गया सी, तो बी और सी इसको ब्रैकेट लगा दिया जाता है, क्योंकि ए एक बार इसके साथ जाएगा और सी एक बार इसके साथ जाएगा, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी पे बेस्ड हमारा प्रॉब्लम है, सेवन नंबर प्रॉब्लम जो है। तो सेवन नंबर प्रॉब्लम, दोनों से नाइन हमने कॉमन कर लिया, अब यहाँ बच गया सिक्स प्लस फोर हो गया टेन, अब माइनस नाइन को टेन से मल्टीप्लाई करते हैं, नाइनटी आ गया। उसी तरह से आपको सेवन नंबर देखा जाए, माइनस ट्वेंटी सेवन है, बाकी सब आप खुद से ट्राई करेंगे बन जाएगा, जी है सेम इसी पैटर्न पे, माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस इंटू माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू माइनस फोर्टीन, दोनों में माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन दोनों में, पहले हमने क्वेश्चन को लिख लिया माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन, दोनों से टेक कॉमन आउट ले लिया, इंटू को साइन दे, या बच गया माइनस सिक्सटीन या बच गया माइनस फोर्टीन, क्योंकि ये दोनों जब निकल जा रहा है तो आप देखिए ये और ये बच रहा है, पीछे प्लस है तो प्लस दिया, ये जैसा है उसे लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड हो रहा है, दोनों नेगेटिव में है, तो दोनों ऐड होने के बाद भी आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, फिर माइनस ट्वेंटी सेवन को थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस आंसर आपको इंटू होने के बाद प्लस हो देगा, ये आपको हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ये एक्सरसाइज 40। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, बात करेंगे आज हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसके रूल्स बुक में बहुत सारे रूल्स दिया हुआ, अपने हिसाब से रूल्स को हम लोग देखते हैं। रूल्स वन में बात करते हैं, रूल्स वन और रूल्स टू, रूल्स थ्री, फोर, फाइव क्या मिलेगा आपको। अगर दो इंटीजर हमारा दिया हुआ, दोनों पॉजिटिव है तब क्या होता है, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो तो क्या होता है, अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या होता है, अगर वन से डिवाइड करते तो क्या होता है, अगर जीरो से डिवाइड करते तो क्या होता है, इस तरह का रूल्स है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो हो जाता है, लेकिन एक रूल्स वहाँ पर देख लेंगे कि अगर कोई भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं जो इंटीजर होगा वो इटसेल्फ जगह, जैसे फाइव है, फाइव वन जा फाइव होगा आपका, कोई और अलग नंबर नहीं आएगा। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में आएंगे, पहला रूल्स में आएंगे, जैसे कि हमारा पॉजिटिव दोनों नंबर है, तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव, ये डिवाइड मतलब बाई हो जाएगा, डिवाइड इससे पहले भी हम लोग होल नंबर देख चुके थे, 15 को पढ़ लेंगे 5 को नहीं चलेंगे, तो ये डिवाइड का मतलब होता है ये बाई में आ जाता है, जो बाद में होता है वो बाई में आ गया, तो 5 थ्री जा 15 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव है इसलिए आंसर पॉजिटिव है, अब दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव माइनस फाइव, तो माइनस फिफ्टीन ऊपर जाएगा माइनस फाइव नीचे जाएगा, डिवाइड करेंगे फाइव 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 थ्री जा फिफ्टीन, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, कैसे हो जाता है, डिवाइड करने माइनस माइनस काटा नहीं जाता, एक्चुअल में होता क्या आपको हम बताए थे, एक्चुअल में ऐसे होता है, यहाँ पर देखेंगे कैसे होता है, अगर माइनस फिफ्टीन है या नीचे में माइनस फाइव है, तो इसको माइनस फिफ्टीन और माइनस फाइव को ऊपर नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर माइनस वन से इंटू करते, माइनस वन से इंटू करने के बाद दोनों सेम नंबर से इंटू कर सकते हैं, तो दोनों नंबर में कोई भी
चेंजिंग नहीं होता है, वो सेम नंबर है। 15 1 15 और 5 1 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। यानी माइनस 15 बाई माइनस 5 माइनस 15 बाई माइनस 5 को 15 बाई 5 भी लिख सकते हैं। तो यहां तक में कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। अब है आपका रूल्स टू, यानी दोनों पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव में, दोनों नेगेटिव है तो भी हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। यानी कि अब है रूल्स टू, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा फर्स्ट या सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन में जैसे 20 डिवाइडेड बाई -4 है आपको, तो 20 बाई -4 अगर आप कर रहे हैं तो ये माइनस को छोड़ देंगे आप, 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, एक बार माइनस हो तो माइनस रह जाएगा आपको। अब ये नीचे वाला माइनस है सर, नीचे वाला माइनस को हम नीचे यहाँ, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, फिर माइनस को हम इसी तरह से अरेंज करते हैं। तो जैसे कि आप इसको डिवाइड यहाँ पर करते हैं तो 15 1 15 अगर काटते हैं ऊपर वाला को देखते हैं, 15 1 15 15 5 3 15, तो ये आपका 3/1 यहाँ आ रहा था, रफ बता रहा हूँ मैं, काटेंगे नहीं आप डायरेक्ट बनाएंगे, तो 3/1 नीचे में 1 छुपा रहता है आपको। तो इस तरह से आप कट कुट करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे आप ऐसे समझ जाएंगे। उसी तरह से आपको 20 अगर पहले -20 है 4 है तो आपको -5 आ जाएगा। अब रूल 3 है, अब 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं, 0 पहले है इंटीजर बाद में, तब यानी कि 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर एक्सेप्ट देन 0, 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर रहे, कोई और नंबर से डिवाइड करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 5 प्लस में हो या 5 माइनस में हो, यहाँ पर फर्स्ट में 0 हो तो 0 बाई नीचे में जो भी इंटीजर होगा वैसे आ जाएगा, तो आंसर हमारा 0 आएगा। फिर सेकंड में -5 है तो भी हमारा आंसर 0 होगा। ऐसा नहीं कि प्लस 0 माइनस 0 करेंगे, 0 के साथ साइन नहीं लिखा जाता ना प्लस ना माइनस। अब नेक्स्ट 4 है आपको, क्योंकि जब 0 से डिवाइड करते क्या होता है, यहाँ 0 को 5 से डिवाइड कर रहे थे, अब 5 को 0 से डिवाइड करते 0 बाद में, तो 0/5/0 हो गया। ये मैथ में होता है, टर्म आता है, किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, उसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, लिखते हैं हम लोग इसको, क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड। और 0/0 मतलब 0/0, 0/0, ये कहलाता है मीनिंगलेस कहलाता है। बुक में आप इसको, मीनिंगलेस कहा गया, नॉट मीनिंग बोला गया है इसको, लेकिन आप बेहतर होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म सीखें, नॉट डिफाइन सीखें या अनडिफाइंड सीखें इसको, क्योंकि क्लास 7 में सेम चीज़ आपको मिलने वाला है, नॉट डिफाइन का फॉर्म मिलेगा। मीनिंगलेस 0/0 तो 0 को 0 से डिवाइड करते हैं, ये मीनिंगलेस होता है। अब है रूल्स 5, किसी भी नंबर को अगर 0 से 1 से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर क्या आता है, सर 5 को 1 से डिवाइड करें 5/1 डेट मीन्स 5, -5 को कर रहे हैं तो -5/1 डेट इज -5। तो ये इंटीजर्स के कुछ डिवीजन का रूल्स था, अब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज है आपको, और कुछ लॉस अब इसमें कोई भी लॉ होल्ड नहीं होता है, इसलिए लॉस अब आपको नहीं दिया गया। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे कि आप 2 नंबर में देखेंगे आप, जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल है, 1 नंबर एग्जांपल है, इसी तरह से आपको दिया गया, ये सब हमने समझा चुके। 2 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या नंबर भरेंगे, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ जो नंबर है वही नंबर सेम डालेंगे, प्लस में माइनस होता है, माइनस में तो माइनस में सेम, -273 डालेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ जैसे 132 है तो ये -2 आने के लिए, जैसे इसका डबल होगा नेगेटिव में होगा तब ये आप आएगा, तो आइडिया लगाएंगे यहाँ 0 आने के लिए आपको यहाँ 0 होना होगा तब यहाँ 0 आएगा। यहाँ 5 आने के लिए कितना करेंगे, तो इसका जस्ट 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 13/5 = 65 तब आपको आएगा। हिंट क्या हुआ, आप आइडिया लगाएंगे बन जाएगा। इस पर प्रॉपर्टीज है आपको, प्रॉपर्टीज में कोई भी जैसे कि आपको प्रॉपर्टीज देख लेंगे कैसे क्या है, इसमें ज़्यादा नहीं जाना, आप सब कुछ सीख चुके हैं। अब है यहाँ पर एक्सरसाइज 4 ई है, जिसको डिवाइड करना है, तो इसको आप एक्सरसाइज को बनाएंगे आराम से। तो 4 ये आपको 1 नंबर है, ये हम देख लेंगे जो से जैसे हमने देखे रूल्स में उस तरह से डिवाइड कर लेंगे आप। 2 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, 3 नंबर ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स आप ट्रू फॉल्स में टी और एफ लिख देंगे। एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपको यहाँ पर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, 4 ए का मैंने 1, 2, 7, 9, 13 और 14 हमने बना दिया। आपको होमवर्क जो रहेगा आपको बनाना है एक्सरसाइज 4D और 4E जो अभी हमारे जो देख रहे हैं वो हमारा 4E है, इससे पहले 4D था वो होमवर्क रहेगा। इसके बाद 4F जो है हमारा 4F MCQ है, MCQ भी होमवर्क रहेगा, बुक में टिक कर लेंगे आप। उसका टेस्ट पेपर 4 में है, BCD नंबर जो है MCQ फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे टेस्ट पेपर में अगर आप आएंगे इसके बाद जब आएंगे तो टेस्ट पेपर यहाँ देखेंगे, टेस्ट पेपर पेज नंबर 78 में टेस्ट पेपर 1 नंबर ए नंबर छोड़ के बी नंबर में आपको MCQ है, सी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है और डी नंबर आपको जो है और ट्रू फॉल्स ऐसे बुक में कर लेंगे आप, आसानी से बन जाएगा। तो इसको बनाएंगे, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, फ्रैक्शन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो से पहले आपको क्या है कि 1 से लेकर 4 तक लेक्चर हो गया आपका, अब इसका टेस्ट आपको स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी टेस्ट स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 का टेस्ट डेट अनाउंस कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में, तैयारी करेंगे आपको, क्वेश्चन जो होगा आपको चैप्टर पे बेस्ड होगा, सेम क्वेश्चन होगा, व्हाट प्रॉब्लम तक भी रहेगा, यानी कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी रहेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा सब ये सरप्राइज रहेगा आपको। एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम देना है, उसे सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो क्लास 6 में आपको अब तक चार चैप्टर है अलग अलग चैप्टर का, हर वीक एक एक चैप्टर का आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस वीक आपको जो होने वाले एग्ज़ाम है, इस वीक आपको जो होंगे
फर्स्ट चैप्टर का एग्ज़ाम होगा, फिर इसी वीक में हो सकता है कि सेकेंड एग्ज़ाम हो जाए, तो दो एग्ज़ाम आपको तैयार करना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। आज यहीं तक।